यूं तो बॉलीवुड के रॉबिन हुड सलमान खान का अफेयर कई एक्ट्रेस के साथ रहा है, जो ज्यादातर लड़कियों के फीलिंग्स के साथ खेलते आए हैं। पर अब फाइनली शत्रुघ्न सिन्हा की खूबसूरत बेटी सोनाक्षी सिन्हा संग इनकी शादी पक्की हो चुकी है और उनसे ये जल्द ही सात फेरे लेने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि शादी पक्की होने के बावजूद भी रॉबिन हुड सलमान खान अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वैलेंटाइन डे प्लान कर रहे हैं और उसके साथ डेट पर जाने वाले हैं। तो आखिरकार कौन सी है वो एक्स जिनके लिए भाईजान वैलेंटाइन डे प्लान कर रहे हैं? आइए आज हम आपको उस खुशनसीब लड़की से रूबरू कराते हैं, और उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बॉलीवुड में अगर सबसे ज्यादा किसी की शादी का इंतजार किया जा रहा है तो वो है सलमान खान का। जी हाँ, भाईजान की शादी की खबरें तो कई बार सामने आई हैं, मगर आज तक इन्होंने शादी नहीं की क्योंकि इन्हें अपने जैसे ही सपनों की राजकुमारी का बेसब्री से इंतजार था, जो कि इन्हें सोनाक्षी सिन्हा के रूप में मिल गयी है, जिनसे इनकी शादी हाल फिलहाल पक्की हुई है। पर ये तो हर कोई अच्छे से जानता है कि अभिनेता ने बॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी खूबसूरत हस्तियों के साथ संबंध रखे हैं और काम निकलने के बाद उन्हें छोड़ भी दिया है, लेकिन आज भी ये अपने दिल के सबसे करीब रहने वाली अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अपने दिल से निकाल नहीं पाए हैं। और वो खुश नसीब लड़की कोई और नहीं बल्कि कैट गर्ल कैटरीना कैफ है। जी हाँ दोस्तों, अभिनेता का रिश्ता कैटरीना से कितना मजबूत था ये तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, जिसके शादी अभिनेता विकी कौशल से होने के बाद भी ये उन्हें अपने दिल से निकाल नहीं पाए। और अब खबरों के मुताबिक भाईजान ने अपनी शादी सोना संग पक्की होने के बावजूद भी कैट को डेट पर ले जाने की प्लानिंग की है और उनके साथ वैलेंटाइन डे मनाने की जोरदार तैयारियां भी की हैं। जी हां दोस्तों, खबरें हैं कि अभिनेता ने मुंबई में एक आलिशान फ्लैट बुक किया है, जिसमें इन्होंने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराई हैं। उस फ्लैट को रेड हार्ट शेप टाइप बैलून के साथ पूरा डेकोरेट करवाया है। इतना ही नहीं, वहां कैट के साथ कैंडल लाइट डिनर करने के लिए उनकी पसंद की चीजें खाने के लिए भी बनवाई हैं। और तो और, सल्लू ने वैलेंटाइन डे को यादगार बनाने के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट कराए हैं, जैसा कि उस फ्लैट की सारी दीवारें कैट और उनकी फोटोज के साथ सजाए हैं। और तो और, उन्हें गिफ्ट के तौर पर देने के लिए एक डायमंड हार सेट भाईजान ने खरीदा है। हालांकि इस बात का खुलासा अभी तक सोनाक्षी के सामने नहीं हुआ है, नहीं तो वो भाईजान को छोड़ेंगी नहीं। तो दोस्तों, शादी पक्की होने के बाद भी भाईजान को किसी और के साथ गैर संबंध रखने चाहिए या नहीं, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।